हमारी आर्मी किधर है? हेलो एवरीवन, हितेश हियर एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट द लेटेस्ट रिलीज ट्रेलर कॉल्ड सलार, जिसने पूरी की पूरी इंडिया तो क्या दुनिया तक में तहलका मचा रखा है। फिलहाल के लिए तो इस ट्रेलर को देख करके ये वाइब आ रही है कि कहीं ना कहीं ये मूवी हमारे नॉस्टैल्जिया को तो टच ना कर दे, क्योंकि एक बार एक मूवी आई थी जिसका नाम था KGF। आई होप आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा। उनके ही डायरेक्टर ने इस मूवी को भी डायरेक्ट किया है, वो भी कास्टिंग में नन अदर देन सलार यानी कि प्रभास के। ये डकैत बहुत अरसे तक निर्विरोध राज करते रहे, उन्होंने खानसार के इस जंगल को किला बना दिया। प्रभास कितने बड़े एक्टर हैं ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक दमदार कैरेक्टर की आवाज तभी ज्यादा दमदार लगती है जब उसका हिंदी वॉइस ओवर भी दमदार उतना ही हो। तो इस बार अगेन उनकी आवाज में जान डाल देने के लिए एक और दमदार वॉइस ओवर आर्टिस्ट को हायर किया गया है, जिनकी आवाज के बिना प्रभास का कैरेक्टर कहीं ना कहीं अधूरा सा लगता है, जैसे कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का राजेश खट्टर जी के बिना। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ शरद केलकर की। खैर, अभी मूवी कितनी ज्यादा प्रॉमिसिंग है वो तो हमें 22 दिसंबर को ही पता चलेगा, लेकिन ट्रेलर को देख करके सच में मुझे गूज़बम्स आ चुके थे, क्योंकि एक मूवी में जिन जिन चीजों की जरूरत होनी चाहिए एज वेल एज फाइटिंग, एक्शन, सिनेमेटोग्राफी, कलर ग्रेडिंग, इनफैक्ट एक तगड़ी स्टोरी लाइन, वो सब कुछ इस छोटे से ट्रेलर में हमें देखने के लिए मिला है। मोहम्मद गजनी और चंगेज खान से भी ज्यादा खूंखार डकैत थे। ये कहानी टेक प्लेस करती है हजारों साल पुराने उन लुटेरों पर जिन्होंने इस देश या फिर इस शहर के अंदर चोरी चकारी करके अपने आप का घर या फिर पूरा का पूरा कारोबार बड़ा करने के बारे में डिसाइड किया। उन्हीं में से दो दोस्त हैं, जहां पर एक दोस्त के आवास पर दूसरा दोस्त शिकारी बनने तक को तैयार है। कौन है? अरे देवा छोड़ना, जाने देना यार, बता मुझे कौन है वो। जब बात आ जाए जान पर या फिर किसी एम्पायर को हत्याने तक, उसका जवाब मिलेगा सलार द केस फायर पार्ट 1 में। सलार को भी बाकी मूवीज की तरह जो कि आजकल ट्रेंडिंग में है उन्हें पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जा रहा है, तो वैसी ही पार्ट में डिवाइडेशन हमें देखने को मिलेगा। अपनी दोस्ती के खातिर जंग में हाथ तो डाल दिया, लेकिन क्या आगे चल करके ये पूरा एम्पायर उसी का हो जाएगा, और माइट बी सेकंड पार्ट में शायद वो भी दिखा दिया जाए। बड़ी बड़ी दीवारें बनाते हैं डर की वजह से, इसलिए नहीं कि कोई बाहर चला जाए बल्कि कोई बाहर से अंदर ना आ जाए। लिटरली गाइज, मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ सलार के इस ट्रेलर को देखकर, एंड आई एम गोना वॉच दिस मूवी इन द थिएटर। सो गाइज, ये था मेरा एक छोटा सा रिव्यू रिगार्डिंग सलार ट्रेलर। इसके अंदर आगे कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि छिपी हुई हैं, जो कि थोड़े थोड़े टीजर या फिर आगे कुछ ट्रेलर के पार्ट्स में भी हमें देखने को मिलेंगी। उसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो आ ही जाएगा, जिन्हें जितना जल्दी हो सकेगा कवर अप करके हम आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आएंगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक अटूट गहरी दोस्ती थी। तेरे लिए शिकार भी बनूंगा, शिकार भी करूंगा।